की अंगात नाही बळ आणि चिमटा काढून पळ। ऐसी उनकी हालत है। अगर वो जरा भी नजर घूम गई उनकी तो फेसबुक लाइव करने वाले का मुंह से फेस मतलब झाग निकल आएगी। लेकिन एक कहावत है, हाथी चलता है बाजार। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं। नेवला साहब और नेवला की जो दोस्ती हुई है ये जनता खूब अच्छी तरह जानती है। इस समय गर्मी की लहर चल रही है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना यहां पर जन सैलाब या मोदी जी को देखने और सुनने को आया है। गर्मी से बड़ी मोदी प्रेम की लहर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में हमें दिखाई पड़ रही है। मोदी जी का हेलीकॉप्टर जैसे ही आवाज करता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं स्वागत के लिए। इतनी बड़ी लोकप्रियता इस महाराष्ट्र के जनता में आपके प्रति है, और इसलिए मोदी 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 ऐसी पूरे देश में ये जयकार सुनाई दे रही है। और वो प्रभु रामचंद्र, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से मोदी जी विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अभिप्रेत सुराज्य निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ हर घर मोदी नहीं, अब मन मन मोदी है, और ये पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। सत्ता की कुर्सी पे के लिए बौखला गया विरोधी पक्ष मोदी द्वेष से पीड़ित है, जिनका जीवन सिर्फ भ्रष्टाचार घोटाले और रोकड़ा गिनने में बीत गया। उनको मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता है। और इसलिए मराठी में एक कहावत है कि अंगात नहीं बळ आणि चिमटा काढून पळ। ऐसी उनकी हालत है। यदि मोदी जी के ऊपर आरोप करते हैं, बार बार आरोप करते हैं, लेकिन मोदी जी जरा भी ध्यान नहीं देते। अगर वो जरा भी नजर घूम गई उनकी तो फेसबुक लाइव करने वाले का मुंह से फेस मतलब झाग निकल आएगी। लेकिन एक कहावत है, हाथी चलता है बाजार। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन जितने भी विपक्ष मोदी जी की आलोचना करेंगे, 2014 को आलोचना की, आरोप किया ये देश की जनता ने उनको घर पे बिठा दिया, 2019 को आरोप लगाया जनता ने उनके विरोधी पक्ष विपक्ष के नेता के इतने भी खासदार सांसद नहीं चुनने आने दिए, और अब भी 2024 में ये इतना आरोप लगा रहे हैं कि मुझे लगता है अब सब रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ेंगे, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है, और उन्होंने गारंटी ली है मोदी जी को फिर एक बार। और इसलिए एनडीए के पास आत्मविश्वास है और इंडिया अलायंस के पास अहंकार है, तो आत्मविश्वास विजय की ओर ले जाता है और अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। और इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने अहंकारी रावण का नाश किया था, यही रामटेक है, प्रति अयोध्या कहते हैं। और यहां पर इंडिया अलायंस के अहंकार की लंका देश की जनता जलाकर खाक कर देगी,
ये ऐसा विश्वास और पूरा माहौल दुनिया देश पे है और उनकी नीति ना नियत है ना नीति है ना निर्णय है, उनका एजेंडा है करप्शन फर्स्ट, लेकिन मोदी जी का एजेंडा है देश का विकास, देश की प्रगति और नेशन फर्स्ट। ये हमारे मोदी जी का एजेंडा है और इसलिए अब ये सत्ता के बाहर है, वो लड़ाई थे सब एक दूसरे के गले लग रहे, लेकिन ये सांप और जो इनका निवाल का है सांप मुंगूस नेवला, सांप और नेवला की जो दोस्ती हुई है ये जनता खूब अच्छी तरह जानती है और इसलिए आने वाले चुनाव में उनको घर का रास्ता दिखाने का काम हमें सबको मिलकर करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने का काम, नई ऊंचाई पर ले जाने का काम, 11वें में से 5वें नंबर पर लाने का काम, अब आगे 3रे नंबर पर लाने का निर्धार करने वाले मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये हमारा गर्व है, यह अभिमान है। और इसलिए 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब शेयर मार्केट का सेंसेक्स 25,000 था, आज वो 75,000 तक पहुंच गए। इसलिए ये विकास हो रहा है, ये देश की प्रगति हो रही है। मोदी जी ने गरीब को बढ़ाया, गरीबी से ऊपर लाया 25 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को कोविड में मुफ्त धान राशन देने का निर्णय था उसको आगे 5 साल बढ़ाया, मतलब इस देश में कोई भूखा नहीं सोए, ऐसे मोदी जी के विचार है। रोटी कपड़ा और मकान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री कहा, और भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाला विपक्ष कहा, एक आदिवासी समुदाय की बेटी को इस देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने वाले मोदी जी, और यहां पर उनको राष्ट्रपति बनाया और हमारे देश के बेटी को राष्ट्रपत्नी कहकर अपमान करने वाले कांग्रेस कहां पर। और इसलिए इस देश के आदिवासी जनता ये कांग्रेस को आने वाले चुनाव में पूरी तरह इसका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि दलित आदिवासी को सिर्फ कांग्रेस वोट बैंक करके इस्तेमाल करती थी, लेकिन मोदी जी ने उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, उनका जीवन बदल डालने का काम किया है और उनके जीवन को बदलने का गारंटी ली हुई है, यह फर्क है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इस देश के हर वर्ग को, किसान हो, कामगार हो, माता बहने हो, गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, दलित हो, सबका उत्थान करने का काम मोदी जी ने किया है। और इसलिए रामटेक नहीं, नागपुर नहीं, पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा है वोटिंग डे का, मतदान करने का। और इसलिए यहां पर आने वाले 19 तारीख को गडकरी साहब पण 19 तारखेला या रामटेक मधून राजू पारवे यांना त्यांच्या नावासमोरचं धनुष्यबाणचं बटन दाबून त्यांना प्रचंड मताने विजयी करायचं आहे। आणि नागपूर मधून आपले नेते नितीन गडकरी साहेबांना त्यांच्या निशाणी समोरचं कमळाचं बटन दाबून आपण विजयी करूया एवढं सांगतो। आणि अब की बार फिर एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।